अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन पे मैं इमरान मीरानी आप सबको तह दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदावंद कुदूस से दुआ करता हूँ कि ये आज का मुबारक दिन आपका ऐसा ही गुज़रे जैसा खुदावंद कुदूस हमसे चाहता है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो अपने रब की नाफरमानी ना करें। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को ईद का दिन मनाएं, ईद का दिन बनाएं, ताकि खुदावंद मुताल हमसे राज़ी हो और हमारी आखरत जो है वो अच्छी गुज़रे। और साथ ही अगर हम ईद अल फितर लफ्ज़ पे, इन वर्ड्स पे गौर करें तो ईद जो वर्ड है वो निकला है औद से। औद का मतलब होता है वापसी और फितर यानी के फितरत, नेचर। नेचुरली इंसान जो है वो अच्छा होता है, अच्छा ही चाहता है, बुराई से नफरत करता है, भलाई चाहता है और अच्छे कामों की तरफ मायल होता है। नेचर यही कहती है, नेचर बुराई को पसंद नहीं करती नेचर। तो खुदावंद कुदूस ने माह रमज़ान जैसा मुबारक महीना दिया, उसमें एक 30 दिनों की हमें ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने और संवारने का खुदावंद कुदूस ने मौका दिया। और उसके बाद एक अच्छा इंसान बना के फिर हमें कहा कि आज आप ईद का दिन मनाएं, और यानी कि अपनी फितरत की तरफ वापसी की खुशी मनाएं। तो हमें फितरत की तरफ खुदावंद कुदूस ने कहा है कि फितरत की तरफ वापस आ जाएं और बुराइयों से नफरत करें, अच्छाई पैदा करें और खुदा की नाफरमानी ना करें। हर वो अमल करें जो खुदावंद कुदूस को अच्छा लगता है, जो खुदावंद कुदूस को पसंद है। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ़ से। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, खुशियां बांटें और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें जिनका इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ईद की बहुत बहुत मुबारकें।